हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज आप लोगों के सामने एक अवेयरनेस वीडियो लेके आया हूं। और एक ये बहुत ही कॉमनली देखने वाली जो एक समस्या है बच्चों में होने वाली, चंचलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी या फिर ADHD। तो कब हाइपर एक्टिव बच्चों को ADHD लेबल कर सकते हैं, क्या है ये ADHD और इसका बच्चों पे क्या असर रहता है, कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं और किस तरीक़े से इसकी इलाज करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाला एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। क्लिनिक में भी हम ऑलमोस्ट एवरी डे ऐसे बच्चे देखते हैं। और आप भी अपने घर के आसपास अगर देखेंगे तो हर तीसरे चौथे घर में आपको दिखेगा, और कोई ऐसे फंक्शन में आपको दिखेगा कि कोई बच्चा है वो एक जगह बैठता ही नहीं है, बैठता भी है तो उसके हाथ या पैर चल रहे हैं या कुर्सी में कंटिन्यूसली घूम रहा है, बहुत बात करते रहता है, बहुत इंपल्सिव है, दूसरे जो बोल रहे हैं उसमें भी जाके एकदम इंटरप्ट करता है, और स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, टीचर्स उसके बारे में कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, फ्रेंडशिप्स करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अगर आंकड़े के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 5-10% जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं इनमें ADHD पाया गया हुआ है। और स्पेशली बॉयज़ में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, लड़कों में ज़्यादा कॉमनली दिखता है। तो ADHD एक ब्रेन की एक प्रकार की डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे जो अपने बिहेवियर को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये लड़कों में जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो हर चंचल बच्चा लेकिन ADHD के रूप में लेबल किया जाता है बहुत कॉमनली। अगर कोई आप बच्चे को लेके जाएंगे तो डॉक्टर हाइपर एक्टिव है बोलते ही उसको ADHD लेबल कर देते हैं, लेकिन ये बात एक्चुअली सही नहीं है। शुरू के 3-4 साल जो हैं बच्चे नेचुरली भी हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उनमें एक चंचलता जो होती है उनकी नेचुरल एक टेंडेंसी हो सकती है। तो उसको डिसऑर्डर हम कब कहेंगे, हम कब उसको बोलेंगे कि ये एक बीमारी के रूप में बढ़ता जा रहा है, कब डॉक्टर के पास जानी चाहिए, तो ये सारे कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चा थोड़ा बहुत चंचल होता ही है। तो इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में बात करूँगा कि किस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो मैं जस्ट एक उदाहरण के लिए एक बच्चे की जैसे आपको एग्जांपल दूंगा जो हमारे क्लिनिक में हर दिन आते हैं। तो कुछ दिन पहले एक मैंने बच्चा देखा था जो कि बहुत ही पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो है क्लास में बैठता नहीं है, एक जगह बैठेगा तो वो कंटिन्यूस कुर्सी को घुमाएगा और एकदम हाथों को चलाते रहेगा और बहुत ज़्यादा बात करते रहता है, दौड़ते रहता है, दिन भर थकता ही नहीं है, बोलते ही रहता है और एक जगह बैठ के भी वो कुछ क्वाइटली कुछ कर नहीं पाता है, और बहुत इंपल्सिव है, दूसरों को जो कुछ बात कर रहे हैं उसमें भी जाके इंटरप्ट करता है, टीचर्स कंप्लेन करते रहते हैं, इसके कोई फ्रेंड ज़्यादा बन नहीं रहे हैं। तो ये सारे कंप्लेन लेके पेरेंट्स आए थे और वो बहुत उसका फोकस अच्छा नहीं था, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चीज़ों को भूल के आता है स्कूल में, तो ऐसे प्रॉब्लम्स लेके वो पेरेंट्स आए थे। तो ADHD ये बच्चे के बारे में मैं आगे बताऊंगा इसके साथ क्या हुआ। तो ADHD में मेनली जो है 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका हाइपर एक्टिविटी, दूसरा होता है इम्पल्सिविटी और तीसरा होता है इनअटेंशन। तो ये तीनों चीज़ जो है कंप्लेंट्स की कॉम्बिनेशंस में पाया जाता है, उसके हिसाब से वो तो 3 प्रकार की होती हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा। तो नेचुरली भी हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जैसे मैंने पहले कहा, तो इसको कब बोलना चाहिए कि अभी जो है ये ADHD की तरफ जा रहा है। तो इसके क्राइटेरियाज हैं, तो इसके क्राइटेरिया में अगर वो फिट होता है तभी जाके हम उसको लेबल कर सकते हैं कि वो ADHD है। तो इसमें जो बहुत ही एक पॉपुलर क्राइटेरिया जो वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं वो है DSM-5 क्राइटेरिया। तो DSM-5 जो है ये वर्ल्ड वाइड फॉलो करते बहुत स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया के बारे में छोटकरी में मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि इसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जो बोलते हैं उसके 9 क्राइटेरियाज हैं, और इनअटेंशन जो है यानी फोकस ना करना जो है उसका जो है 9 क्राइटेरिया है। तो इसमें से जो क्राइटेरिया है मैं आपको एक बाय एक करके 1 बाय 1 बोलता हूँ, तो आप देखिए कि आपके बच्चों में ऐसे कितने सिम्टम्स हैं, तो अब आपको पता लगेगा कि ये ADHD के क्राइटेरिया में फिट होता कि नहीं। तो सबसे पहला जो है हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन। तो सबसे पहला है कि बच्चा जो है एक जगह बैठता नहीं है, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि एक जगह बैठता नहीं है सीट पे जहाँ पे उसको बैठना चाहिए। तो जैसे कि क्लासरूम में बैठना चाहिए, ऐसे कई फंक्शंस में है जहाँ पे सब बैठे हुए बैठना चाहिए, लेकिन वो बैठता नहीं है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है।
दूसरा है कि बच्चा बहुत फिटगटी है, यानी कि अपने हाथों को बहुत हिलाते रहता है, एक जगह शांत से बैठ नहीं पाता है, कुर्सी में बैठता भी है तो कुर्सी को घुमाएगा, कहीं बैठेगा तो भी अपने पैरों को हिलाते रहेगा, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है, तो बहुत फिटगटी है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि बच्चा दौड़ता ही रहता है, जहाँ पे उसको बैठना है उसको वो दौड़ता ही रहता है, सीढ़ियों में चलता ही रहता है, तो उसकी जो एक्टिविटी जो है रुकती ही नहीं है, तीसरी क्राइटेरिया। चौथा है कि वो शांत बैठ के खेल ही नहीं सकता है, वो एक जगह चुपचाप बैठ के अकेले से खेल ही नहीं सकता है। पांचवा क्राइटेरिया है कि ऐसे लगता है कि वो उसके जैसे मशीन में कोई मोटर लगाया हुआ तो किस तरीके से वो चलता रहता है, तो इट्स ड्रिवन बाय द मोटर जैसे बोलते हैं, ये क्राइटेरिया में दिया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि उसका जैसे मोटर चली हुई है और वो बंद होता ही नहीं है, वो चालू ही रहता है। ये छठवीं क्राइटेरिया है, टॉक्स एक्सेसिवली, माने बहुत ज़्यादा बात करते रहता है, बोलता ही रहता है, बोलते ही रहता है। और सातवें नंबर में है कि और कोई दूसरे बोलने से पहले वो उत्तर दे देता है, क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही उसका वो उत्तर दे देता है। आठवां नंबर में है कि वो टर्न का वेट नहीं कर पाते, जहाँ पे जैसे लाइन में रहना हो उसकी अगर बारी आएगी उसको वेट करना है तो थोड़ा इतना इम्पेशेंट है कि वो वेट कर ही नहीं सकता है। और आखिरी जो क्राइटेरिया है वो कि दूसरों को इंटरप्ट करता है, इंट्रूड करता है, और जैसे कि बैठा हुआ है सडनली किसी दूसरों का ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा, उनके परमिशन के बिना उसको ले लेगा, तो ये उनकी आदत रहती है। तो ये टोटल नौ पॉइंट्स हो गए। तो नौ में से अगर छः पॉइंट्स अगर बच्चों में हैं तो यानी बच्चों को हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी होने के चांसेस हैं। तो ये हो गई हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी की बातें। दूसरा जो है इनअटेंशन, और इनअटेंशन में भी ऐसे नौ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है कि वो बच्चा अटेंशन बिल्कुल ही नहीं दे सकता है चीज़ों पे, और वो कई सारी केयरलेस मिस्टेक्स करते रहता है, डिटेल्स से जो है चीज़ों को कर नहीं पाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि उसमें जहाँ पे अटेंशन उसको सस्टेन रूप में अटेंशन चाहिए, जैसे कि लेक्चर्स में हो गया, या फिर हम जब घर में भी उससे बात करते हैं, जो कन्वर्स उससे करते हैं, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसमें वो अपना ध्यान रख नहीं पाता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि ऐसे लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा है हम लोगों की तरफ, तो उसका कहीं माइंड कहीं और ही है और हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो कहीं दूसरी दुनिया में चला जा रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये जो क्राइटेरिया को आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन यही पॉइंट्स है रफली। चौथा पॉइंट है कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो चीज़ों को सिक्वेंशियल जो उसके टास्क हो गए हैं, जैसे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले उसको ये करना चाहिए, फिर ब्रश करके, ब्रेकफास्ट करके, कपड़ा पहन के जाना, तो ये सिक्वेंस को वो कर नहीं पाता है, टाइम का मैनेजमेंट एकदम ही पुअर रहता है उनका, तो ये बहुत डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, उनकी चीज़ें कहीं भी एकदम हैफेजर्ड रूप में रहता है। पांचवा पॉइंट है कि जो चीज़ में दिमाग लगाना है तो वो चीज़ वो करेगा ही नहीं, जैसे होमवर्क करने की बात करो तो वो उसको अवॉइड करेगा, बैठ के वीडियो गेम जरूर खेलेगा लेकिन जहाँ पे उसको मेंटल एफर्ट की ज़रूरत है उस चीज़ों को पूरा अवॉइड करता है, उसे भागता है वो। छठवा पॉइंट है कि कोई चीज़ों को करता तो है लेकिन फोकस बहुत जल्दी खो जाता है, उसको करने की इच्छा है, वो बैठता भी है लेकिन उसमें फोकस कर ही नहीं पाता, बहुत जल्दी उसको फोकस लूज कर लेता है। सातवां पॉइंट है कि चीज़ों को खोता है, मतलब घर में जैसे घर में से सामान लेके जाएगा, स्कूल में पेंसिल रबर हो कुछ है, वो कहाँ कहाँ कैसा, उसको कुछ याद ही नहीं है, स्कूल में पेंसिल भूल के आ गया, शार्पनर नहीं है, कुछ चीज़ें भूल के उसको याद ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भुलक्कड़ होते हैं एक प्रकार के, साधारण भाषा में बोले तो। जो आठवां वाला पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्टेबल, माने कुछ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से उनका ध्यान एकदम ही भटक जाता है, होमवर्क करने बैठो किसी और चीज़, किसी ने आवाज़ भी दी या कोई और गाड़ी भी कोई पास हो गया या टीवी में कुछ जस्ट ऑन हो गया, सडनली वो पूरा अपना एक्टिविटी छोड़ देता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और आखिरी वाला जो नौवां नंबर का पॉइंट है वो है बहुत फॉरगेटफुल रहते हैं, मतलब चीज़ें जो डेली बेसिस पे करना चाहिए उस वो जल्दी भूल जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली 9 पॉइंट्स हैं, और इन 9 पॉइंट्स में भी कम से कम 6 पॉइंट होना चाहिए, है ना, 6 out of the 9 जैसे कहते हैं, तो ये इनअटेंशन के क्राइटेरिया में बैठ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया में ऐसा है कि ये जितने भी जो उनको सिम्टम्स हैं ये कम से कम के लिए भी 6 महीने के लिए कम से कम होना चाहिए, 6 महीने से अगर इस तरीके की सिम्टम है और 9 में से कम से कम 6 पॉइंट हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी का है या फिर इनअटेंशन में 6 में से 9 है, और फिर इनको जो है उनकी एकेडमिक्स पे और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो फ्रेंडशिप बनाने की, जो रिलेशनशिप बनाने की जो है, उन सब में बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, उनका सोशल फंक्शनिंग में बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, इफ़ेक्ट करना भी जब इफ़ेक्ट करने लगेगा तभी उसको डिसऑर्डर के रूप में लिया जाता है, और ये कम से कम
दो सेटिंग में होना चाहिए। दो सेटिंग्स का मतलब क्या है, एक होता है होम घर, एक होता है आपका स्कूल और एक होता है बड़ा कम्युनिटी। ये तीन अलग अलग सेटअप्स हैं, तो इनमें से कम दो जगह पे बच्चा ये सारा हरकतें करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके होते हो सकते हैं कि कुछ बच्चे घर में बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा कि ये बच्चा बहुत शैतान है, लेकिन बाहर जाएंगे बच्चा एकदम शांत और बहुत प्यारा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हाइपर एक्टिविटी ADHD लेबल नहीं कर सकते। उनको जो बच्चे घर पे भी कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी में कोई सोशल फंक्शन में भी कर रहे हैं, तभी जाके वो ADHD के रूप में उसको लेबल किया जा सकता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज अगर फिट होते हैं तभी हम लोग ADHD उसको लेबल कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया छोड़ के भी कई और टूल्स भी हैं, कई क्वेश्चनेयर्स हैं जिसको देख के हम लोग एग्जैक्टली बच्चों का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो ये हो गए क्राइटेरिया की बात। थोड़ा सा आप लोगों को ये थोड़ा मैंने एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता के आप लोगों को मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके मैंने बताया है। और अभी इसका कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें तीन प्रकार के होते हैं मेनली। जो एक प्रकार होता है कि जिसमें केवल बच्चा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव रहता है, तो ये एक प्रकार का है, वो बच्चे इनअटेंशन उनमें नहीं होती हैं, तो ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा एक टाइप होता है केवल इनअटेंशन होता है, वो बच्चे चंचल नहीं होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रेयरली डायग्नोस होता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं इनअटेंशन वाले, क्योंकि ये चंचल तो होते नहीं है, शांत रहते हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता कि इनको कुछ है। तो ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। जो मैंने इनअटेंशन के क्राइटेरियाज बताएं कि जैसे चीज़ें भूल जाना, बल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना, और हम बात कर रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कहीं और उनका दिमाग कहीं और ही वांडर हो रहा है, तो ये केवल ओनली इनअटेंशन लेके भी आ सकते हैं। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनमें कॉमनली पाया जाता है, और ये क्योंकि पेरेंट्स को लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम है, इनके डायग्नोसिस होते होते वो 8-9 साल तक भी हो सकता है कि उनकी एज हो जाती है। और आखिरी वाला टाइप होता है कॉम्बाइन टाइप वाला, मतलब जिनको हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी भी रहती है और इनअटेंशन भी रहता है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप है, ज़्यादातर बच्चों में जिनको हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव जो बिहेवियर है उनमें इनअटेंशन भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो जो कंबाइन टाइप वाला है सबसे कॉमन टाइप है। तो ये तो हो गई सारी आपकी टाइप की बातें, क्राइटेरिया की बातें। तो डायग्नोसिस के लिए यही चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई स्कैन की ज़रूरत नहीं है, कोई सीटी स्कैन करना नहीं है, कोई MRI नहीं करनी है। इसमें केवल वो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसके हिसाब से इसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई EEG की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये किस कारण की वजह से होता है, क्या कारण है कि बच्चे ऐसे चंचल हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके यही कारण की वजह से है ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेनली ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जेनेटिक फैक्टर और बायोकेमिकल फैक्टर्स बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे जीन्स भी अभी रिसर्च में पता लगाया है जिसकी वजह से बच्चों में चंचलता आती है। और एक दूसरा बायोकेमिकल बोलने का मतलब है कि रिसर्च में अभी ये पता लगाया हुआ है कि ब्रेन में स्पेशली हमारे चार भाग होते हैं, उसमें जो आगे वाला है जो प्री फ्रंटल ब्रेन बोलते हैं, प्री फ्रंटल लोब कहते हैं, ब्रेन का वो एरिया है जो हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो सिक्वेंशियल टास्किंग जो हम लोग करते हैं, है ना, तो वो सारा चीज़ कंट्रोल करने वाला जो है वो हमारा ये प्री फ्रंटल लोब है। तो वहाँ पे ऐसे डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन करके बहुत सारे केमिकल्स जो है वहाँ से रिलीज होते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि बच्चों के वो वाला पार्ट जो है उनमें केमिकल्स की थोड़ी कमी पाया गई है, तो डोपामिन उनमें कभी कभी थोड़ा कम रहती है, और उनका जो ब्रेन नर्व्स होता है वो बहुत सारा लिथार्जिक टाइप का होता है, इसीलिए इसमें वो स्टिमुलेंट्स करके जो दवाई टैबलेट वगैरह देते हैं उससे उनमें फ़ायदा होने का रीज़न यही है कि उनमें वो डोपामिन की कमी रहती है, नॉरएफिनेफ्रिन की कमी है, ये केमिकल की कमी रिसर्च के द्वारा पाया गया है। और कुछ कुछ बच्चों की ये ब्रेन की वो पार्ट थोड़ा छोटा भी होता है, ये रिसर्च बताती है। तो कई जीन की वजह से हो सकती है और ये केमिकल की कॉम्बिनेशंस की वजह से है ऐसे रिसर्च में बताया हुआ है। बाकी देखिए कई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई बहुत प्रीमैच्योर बच्चा है, उनको लेबर के टाइम में कुछ दिक्कत हो गई है, उनको किसी भी वजह से अगर NICU में रखा है, मदर को प्रेगनेंसी में कई ऐसे ड्रग्स के इंटेक हैं, और दूसरा है कि मदर को प्रेगनेंसी में काफ़ी ब्लड प्रेशर हाई था, ये सब रिसर्च में देखा है कि ये सारे जो अगर हैं रिस्क फैक्टर्स तो ADHD होने के चांसेस थोड़े बढ़ के जाता है। हालांकि एक कारण में हम लोग आके ये नहीं बोल सकते कि बच्चा NICU में था उसकी वजह से हुआ, ये नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हमको देखना पड़ता है हर बच्चों में। और
ADHD में भी मेनली दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राइमरी वाले जिनमें केवल ADHD होती है, इसके अलावा और कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ये बच्चे यूजुअली चलने बोलने में यूजुअली टाइम पे ही चलते हैं बोलते हैं और इतना मेजर बाकी और चीज़ दिखता नहीं है यूजुअली जो प्राइमरी ADHD वाले। एक होता है सेकेंडरी ADHD, कहने का मतलब है कि सेकेंडरी ADHD का मतलब है कि कोई और कारण की वजह से उनमें वो चंचलता आई है, जैसे कि ये ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, तो ऑटिज़म के बच्चे भी थोड़े चंचल होते हैं, तो उस कारण से उनमें चंचलता आया हो सकता है। कभी कभी ये ऑटिज़म और ADHD कॉम्बाइन में दिखने को मिलता है। दूसरा है कि जो बच्चे जो प्रीमैच्योर थे और जिनको NICU के टाइम में शुगर कम हो गया और ब्रेन में कुछ दाग वगैरह रहता है, तो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा चंचलता रहती है। जो बच्चे को मेनिनजाइटिस एन्सेफेलाइटिस हो गया, तो पोस्ट एन्सेफेलाइटिस भी बच्चे को इस तरीके की हाइपर एक्टिविटी वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी एक कारण है जैसे कि कई साइकोसोशियल स्ट्रेसर्स रहते हैं बच्चों में, कि घर में अगर उसको फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है या वो स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेसर्स की वजह से भी कभी कभी ये चंचलता आ सकती है, तो वो सारे सेकेंडरी ADHD हम कहते हैं। तो कारण मोटा मोटा एक हिसाब से ये कारण है ADHD के। तो ADHD देखिए केवल एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, उसके साथ साथ कई उसके कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, उसके साथ साथ और कई प्रॉब्लम्स रहते हैं जब हम अच्छे से उसको देखते हैं बच्चों को। तो ये जो चंचल बच्चे रहते हैं उनको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे कि बहुत बदमाशी रहते हैं घर में, ऐसे चीज़ों को तोड़फोड़ करना, ऐसे और कई चीज़ें हैं जो उनके एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है वो करते हैं। साथ में उनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमनली मिलता है, 20-25% बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहती है। इनको लर्निंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, पढ़ाई में इनको कहीं ना कहीं काफ़ी इनको दिक्कतें रहती हैं, वो असेसमेंट से ही पता करते हैं पता चलता है कि 15-20% बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनको लैंग्वेज डिले, स्पीच डिले होने के चांसेस भी रहते हैं कई सारे बच्चों को। इसके अलावा अब ये बच्चे हैं जो लॉन्ग टर्म में बड़े होने के बाद कई बार इनको जो है सब्सटेंस एब्यूज़ है ना, गलत दवाइयाँ वगैरह जो हैं, नशे में जब मतलब पढ़ना या बाद में जाके एंटी सोशल कुछ एक्टिविटी करने की, इनमें टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा हो के जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप नेचुरल हिस्ट्री भी अगर देखेंगे ADHD की, तो ये बच्चे जो है आपके 6-7 साल 8 साल के आसपास इनकी चंचलता सबसे ज़्यादा बढ़ के जाता है, फिर 7-8 साल के बाद वो अपने आप घटने लग जाता है, और जो इनअटेंशन वाली पार्ट है वो परसिस्ट करता है, वो बड़े होने तक भी इनअटेंशन रह सकता है। और रिसर्च में बताई गई है कि करीब करीब 30-40% जो ADHD के बच्चे हैं लॉन्ग टर्म में जब बड़े होते हैं तभी भी उनमें कहीं ना कहीं वो हाइपर एक्टिविटी की सिम्टम्स जो हैं पाया जाता है। तो ये हो गई बच्चों में होने वाली एसोसिएटेड जो उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह जो साथ में रहते हैं, अगर उसको अच्छे से असेसमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट के अप्रोच में फ़र्क पड़ सकता है कि उनको केवल ADHD के साथ साथ में उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको लर्निंग प्रॉब्लम है, स्पीच का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में देखना ज़रूरी है। अभी मैं बात करूँगा ADHD जैसे दिखने वाले और कोई कंडीशन, जैसे कि लगता हर चंचल बच्चा ADHD नहीं होता है, उसमें हमको अच्छे से उसका जो है डायग्नोसिस जो है अच्छे से देखना होगा, क्राइटेरिया में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना होगा। हो सकता है कि वो केवल एक हाइपर एक्टिव बच्चा हो लेकिन वो क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होता हो, ये हो सकता है, बहुत कॉमनली भी मिलता है। दूसरा है कि ये कोई दिमागी कमजोरी की वजह से हो सकता है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं या मेंटल रिटार्डेशन पहले बोला करते थे, तो ये दिमाग की कमजोरी की वजह से बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो बिहेवियर में एकदम ही चंचलता दिखा रहा है, तो वो उसका हम लोगों को देखना चाहिए। और कभी कभी हम लोग इन बच्चों का IQ टेस्ट भी कराते हैं देखने के लिए कि उनमें कोई उनकी दिमागी कमजोरी की वजह से तो नहीं हो रहा है। तीसरा मैंने जैसे कहा कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं, कुछ कुछ बच्चे केवल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनमें वो ADHD ऐसा सिम्टम आया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो ADHD नहीं है। और एक होता है जैसे OCD बोलते हैं जिसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बच्चों में भी रहती है थोड़े बड़े बच्चों में, तो अगर उनमें वो हर चीज़ रिपीटेडली करने की जब आदत होती है तो बहुत हाइपर एक्टिव जैसे दिखते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये भी एक ADHD जैसे दिखने वाला एक कंडीशन है। और एक है जैसे इनअटेंशन वाले जो ADHD होते हैं, जो हाइपर एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये बच्चे कभी कभी एब्सेंस सीजर जो बोलते हैं, जैसे डियर ड्रीमिंग करते रहते हैं ना, तो उनको एक्चुअली एपिलेप्सी होता है। एक्चुअली जो इनअटेंशन का प्रॉब्लम है वो एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है, जिसको एब्सेंस सीजर कहते हैं। वो थोड़ी देर कहीं और देखेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे, स्टेयर करेंगे, आइज़ ब्लिंक करेंगे हल्का,
लेकिन वो पता ही नहीं चलता क्योंकि वो बड़े मिर्गी जैसा नहीं दिखता है। तो जब तक हम ईईजी करेंगे नहीं तब तक पता चलता नहीं। तो ऐसा अगर इनअटेंशन वाले एडीएसडी है और डाउटफुल है कुछ, तो हम लोग कभी कभी ईईजी जस्ट एपिलेप्सी को रूल आउट करने के लिए भी करते हैं। तो एडीएसडी जैसे दिखने वाले और भी कंडीशंस हैं, उसको बस प्रॉपरली देखना चाहिए ताकि वो मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट के अप्रोच में जो है काफ़ी ये चेंज ला सकता है। आखिरी में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए मैं इसमें डिटेली इस वीडियो में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं अगले वीडियो ट्रीटमेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो एडीएसडी के बारे में बनाने जा रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट में मेनली कुछ मेडिसिन हैं जो स्टिमुलेंट्स या नॉन स्टिमुलेंट्स बोलते हैं, जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं, कुछ सिरप फॉर्म में आते हैं। तो उसके डिटेल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो दवाइयाँ जो हैं कई बार बहुत बेनिफिशियल रहती है क्योंकि उनकी चंचलता काफ़ी कम होकर जाता है, उनका अटेंशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है दवाइयों से भी। तो वो आप डॉक्टर के सलाह लेके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो है थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं, बिहेवियर ओरिएंटेड थेरेपीज़ होती हैं। हर बच्चों का कुछ टारगेटेड उसका जो है क्या क्या गोल हमें अचीव करना है वो देख के बिहेवियर थेरेपी के हेल्प से धीरे धीरे बच्चों में सुधार आती है। और छोटे बच्चे में ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी किया जा सकता है। तो ये थेरेपी और दवाइयों की कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो और एक चीज़ है जो बहुत कॉमनली आजकल बच्चे करते हैं, वो है स्क्रीन टाइम, जो है काफ़ी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप काफ़ी देखते हैं। और रिसर्च हालांकि ये मानती नहीं है कि एडीएसडी केवल स्क्रीन की वजह से होता है, लेकिन उनमें इनअटेंशन पाया गया है ये रिसर्च बताती है। तो जितना हो सके इन बच्चों को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इन सब से दूर रखिए। और बाकी कई बच्चे स्पेशली शुगरी फूड या जो है बहुत जो मीठा चीज़ खाने के बाद सडनली चंचल होते हैं, ये कई पेरेंट्स बताते हैं। और रिसर्च भी इस चीज़ को पूरी तरीके से मानती नहीं है, लेकिन शुगर फिर भी हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि जितना जो मीठा चीज़ है उसको कम से कम उपयोग करें। स्पेशली अगर आपका बच्चा मीठा खा के सडनली बहुत हाइपर एक्टिव होता है तो उसको अवॉइड करें। तो पेरेंट्स, ये हुई एडीएचडी के बारे में जो मैंने आपको बताया। और ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, लड़कों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और इन एडीएचडी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ रही है, उनका एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ रहा है, वो फ्रेंडशिप नहीं बना पा रहे हैं। और इनमें कई बार बहुत लो कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो जाती है क्योंकि इनको बहुत सारी डांट भी पड़ती रहती है। तो और लॉन्ग टर्म में जाके ये बच्चों को फिर ये गलत नशा करना, आगे जाके फ्यूचर में भी कई बार ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर करना, ये सब बच्चों को लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट कर सकता है। तो टाइमली इसका जो है इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। तो राइट टाइम में आप प्रॉपर जो है एक एक्सपर्ट को दिखाएं, प्रॉपर असेसमेंट करें और एक प्रॉपर प्लान बनाएं। और इसमें जैसे प्लान बना के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। और टाइमली इंटरवेंशन हमेशा न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस में जितना टाइमली हम करेंगे उतना उसका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो आज के लिए पेरेंट्स, ये वीडियो को हम यहीं पे मैं अंत करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके घर में ऐसे हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, ताकि उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। और ट्रीटमेंट के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। और तब तक के लिए आज मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।